याद कीजिए अभी से 48 घंटा पहले का वो दिलखराश मंजर, जब जुमा को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च मस्जिद में जब मसल्लियान बारगाह रब्बुल इज्जत में सरबसजूद होने की तैयारियां कर रहे थे तो ठीक उसी वक्त एक वहशी इंसान मस्जिद के अंदर मौजूद मसल्लियों पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में 49 से ज़्यादा मसल्लियान बरसर मौका ही शहीद हो गए और कुछ जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में से 3 का ताल्लुक रियासत तेलंगाना से है। शहर के टोली चौकी से ताल्लुक रखने वाले फरहाज अहसन पहले जख्मी हो गए, फिर उसके बाद अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। इसके अलावा करीम नगर से ताल्लुक रखने वाले इमरान खान हैं, इमरान भी पहले जख्मी हुए और उसके बाद माबूदी हकीकी से जा मिले। फरहाज और इमरान के अलावा शहर के अंबरपेड़ से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इकबाल हैं, मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए मगर उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। फरहाज हुई या इमरान, उनको क्या खबर थी कि उनकी नमाज जुमा ये उनकी आखिरी साबित हो रही है, क्योंकि इसके बाद दुनिया भर के मुसलमान अपने दिल में नाकाबिल सदमा को लेकर उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे।